ये मैं रेमेडी बनाने जा रही हूँ अपने फेस के लिए। मेरे फेस पे ना ज़्यादा वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, नोज़ पे स्पेशली बहुत ब्लैक हेड्स हैं। तो खाली ये रेमेडी मैंने देखी थी, बेसन 2 चम्मच, बेसन 1/2 चम्मच जो है ना मैंने इसमें डाला है हल्दी का, और ये 2 चम्मच मैं इसमें अरके गुलाब शामिल करूँगी। मैंने लेमन ले रखा है यहाँ पर, एक नींबू मैंने लिया है, इसके 2 पीस किए हैं, इसको निचोड़ूंगी पूरा मैं। इसमें नींबू बड़ा ही अच्छा होता है स्किन के लिए, इसके अंदर विटामिन सी की वजह से ना बड़ा ही फायदा देता है ये स्किन को। स्किन वाइटनिंग एंड क्लींजिंग रेमेडी है ये, स्किन वाइटनिंग एंड क्लींजिंग रेमेडी। ये हफ्ते में एक बार रिपीट करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं चूँकि यूँ घर शिफ्ट करना था, काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, तो ये पूरा मंथ हो गया बिल्कुल इग्नोर कर दिया है ना, नहीं क्या। तो व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसके साथ बिल्कुल क्लींजिंग बहुत अच्छी, किसी भी अच्छी कंपनी की क्लींजिंग मिल्क से भी बहुत अच्छे इसके नतीजे। और ये मेरी आजमूदा रेमेडी है, होम मेड रेमेडी। यूजली मैं इसमें एलोवेरा जेल भी शामिल करती होती हूँ, और आज वो मेरे पास नहीं है तो मैंने कहा चलो जो है उसी से गुजारा चला लेती हूँ। और के गुलाब जो है ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सिर्फ इसको आपने लगा कर 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, जब तक सही अच्छे से ये ड्राई हो जाता रख देना अपने फेस पर। तो 2 मिनट तक इसकी हल्के हाथ के साथ जो है ना अगर मसाज किया जाए फेस को, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन कर देता स्किन को। मैं आपको अब अप्लाई करके दिखाती हूँ अपने हाथ पर, ऐसे अपने फेस पर भी आपने यूँ इसको यूज़ करना है। यूँ अगर 2 मिनट आप इसको हल्के हाथ के साथ इसके ऊपर आप मसाज करेंगे तो इसके वाजी नतीजे आपको नजर आएंगे। इस तरह करके इसमें मैंने हल्दी भी शामिल किया, उसकी वजह से ये जो आप करवाते हैं जाकर मार्केट से गोल्ड फेशियल, उससे भी बहुत अच्छा है ये। उम्मीद है आपको मेरी रेमेडी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अप्लाई करें, नतीजे मुझे कॉमेंट करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।